हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओलाप्लेक्स के दो प्रोडक्ट का रिव्यू। सो ओलाप्लेक्स बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई डोंट नो कि इंडिया में इतना ज़्यादा इन प्रोडक्ट का हाइप है या नहीं है, बट जब मैंने इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखे थे, बहुत अच्छे रिव्यू थे, तो मेरा मन किया कि यार इनको ट्राई ज़रूर से करना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है ये। एक मतलब इतनी सी बॉटल ना 1700 की है। तो मैंने नायका के पिंक फ्राइडे सेल से बाय किया था। आई थिंक 1.5 महीना हो गया है इनको बाय करे हुए और अच्छे से मैंने इनको यूज कर लिया है। उसके बाद मैं आज अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। सो इतना सा भी अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी। बेसिकली अगर बात करें कि ओलाप्लेक्स है क्या, ओलाप्लेक्स एक तरह का ट्रीटमेंट है। अगर आप कहीं सलोन वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पर अगर आप बोलोगे, जैसे हमारी स्ट्रेटनिंग होती है, स्मूथनिंग होती है, बोटॉक्स होता है, वैसे ही ओलाप्लेक्स एक ट्रीटमेंट का नाम है। और उस ट्रीटमेंट में इन पर्टिकुलर रेंज को यूज किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी रेंज है। मतलब ये जो पर्टिकुलर रेंज है ना, ये मतलब नंबर्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो जो मेरे पास दो प्रोडक्ट है वो है नंबर 4 शैम्पू एंड नंबर 5 कंडीशनर। इसमें नंबर 3 भी आता है, जो इनका हेयर मास्क होता है। मतलब आपको शैम्पू करने से पहले हेयर मास्क लगाना होता है। तो इस तरह से ना, मतलब पूरे कैटेगराइज किए हुए हैं कि आपको फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। तो इस तरह से पूरी रेंज मिलती है। अगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना है सलोन में जाके, अगर आप घर पे करना चाहते हो, तो वो इस तरह से आप प्रोडक्ट बाय करके घर पे भी कर सकते हो। बट मैंने सिर्फ इनका शैम्पू एंड कंडीशनर मंगाया है। सो देखते हैं कि शैम्पू एंड कंडीशनर वर्थ है या नहीं है। मतलब एक 1700 का है, तो यू कैन इमेजिन 100 ml की क्वांटिटी आपको इतनी सी शैम्पू एंड कंडीशनर की मुझे पड़ी थी 3400 में। और ऐसे कोई ऑफ भी नहीं था, मतलब नायका पे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे उस टाइम कोई भी ऑफ नहीं था। वो तो मैं शॉपिंग कर रही थी सेल से, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी बाय कर लिया जाए। वैसे ये अभी आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है और सेम प्राइस में है जो नायका पे है, वही अमेजोन पे भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएंगे। सो नायका एंड अमेजोन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो पहले ये बात कर लेते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों है। सो बेसिकली ओलाप्लेक्स ने एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया है, एंड वो टेक्नोलॉजी है कि जो भी आपके बालों में डाई सल्फेक्टेंट बॉन्ड होते हैं, वो अगर किसी कारण ब्रेक हो गए हैं, लाइक अगर आपने बहुत ज्यादा हीटिंग टूल अपना लिए हैं, या फिर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, या किसी भी कारण, एनवायरमेंटल के कारण, किसी भी कारण अगर आपके बालों में वो डिससल्फेक्टेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो वो पर्टिकुलर बॉन्ड को ही रिपेयर करने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके बालों में जो ब्रेकेज हो रहा है, या आपके बाल बहुत डल एंड ड्राई लग रहे हैं, बालों में जान नहीं है, शाइन नहीं है, तो वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आपके बालों में जान आती है, आपके बाल सिल्की दिखते हैं, सॉफ्ट दिखते हैं और काफी मैनेजेबल दिखते हैं। सो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाने के कारण ही आई थिंक कि ये सारे प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बात कर लेते हैं पहले शैम्पू के बारे में। सो ये मिलता है कुछ आपको इस तरह की छोटू सी पैकेजिंग में, 100 ml की ये पैकेजिंग है। और दिस इज द ओलाप्लेक्स नंबर 4 बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू। सो बेसिकली ये भी क्लेम कर रहा है कि आपके बालों को रिपेयर करेगा, स्ट्रेंथ देगा बालों को और बालों को नरिश करेगा। प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 1700 है। अभी बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की गाइस। सो ऑन द टॉप आपको मिल जाएगा बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट, उसके बाद इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स है, ग्लाइकोल एंड पंडाइन है, फ्रूट के एक्सट्रैक्ट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, रूट एक्सट्रैक्ट है और फ्रेग्रेंस इसके अंदर बीचों बीच डली है। दैट मींस कि अगर आपको फ्रेग्रेंस बॉदर करती है या आपको फ्रेग्रेंस सूट नहीं करती है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे डिसकंफर्ट हो सकते हो। एंड यस, इसके अंदर काफी सारे मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी है, काफी सारे ऑयल्स डले हुए हैं, ग्रीसलीन है जो कि एक तरह का ह्यूमेक्टेंट का काम करेगा। बाकी इसके अंदर फैटी एसिड है, कलर है, प्रिजर्वेटिव है। सो कुछ इस तरह की इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मतलब अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो आप इसको साइड में रख दो, अदरवाइज इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी ज्यादा अच्छी है। बात करें इसके टेक्सचर की, तो ये कुछ आपको इस तरह का टेक्सचर मिलता है जैसे नॉर्मली शैम्पूज के होते हैं, वैसा कुछ इसका टेक्सचर है। बट इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम लेनी होती है। यू कैन इमेजिन मेरा अभी तक इतना सा खत्म हुआ है, इतना सा मैंने इसको आई थिंक 6 से 7 बार हेयर वॉश कर लिया है इससे। तो बहुत कम क्वांटिटी आपको लेनी होती है और बहुत अच्छे से ये बालों को क्लियर करता है। मतलब आपको डबल बार भी वॉश करने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से। और अगर आपका कोई भी हेयर टाइप है, अगर ऑयली है, ड्राई है, फ्रीजी है, आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है, आपकी स्कैल्प ऑयली रहती है, हर तरह के हेयर टाइप पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सूट करता है। अभी बात करते हैं कि ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस पे किस तरह से वर्क करता है। सो लिटरली मैंने जब इसको 5 से 7 बार अभी तक वॉश किया है, बाल मेरे इतने ज्यादा अच्छे हो गए। मतलब ऐसा फील होता है कि आप सलोन में जाके कुछ ट्रीटमेंट करवा के आए हो। मतलब वर्थ, अगर आपने 1700 इस पे स्पेंड किए ना, तो एक एक रुपया आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये इतने अच्छे से आपके बालों पे काम करता है। जब मैंने इसको लिया था ना, तो मुझे भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि 1700 का शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, जब आप इससे अपना हेयर वॉश करोगे, विद इन 1 वॉश में आपको पता लगेगा
कि आपके बालों पे ये कितना मैजिकली वर्क करता है। सो क्वांटिटी भी बहुत कम लेनी होती है, बालों को क्लियर भी बहुत अच्छा करता है एंड बालों में जान आ जाती है। अगर आप कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको अलग से कोई भी सलोन में जाके अपना कोई भी ट्रीटमेंट लेने की या हेयर स्पा वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना अच्छे मतलब झाड़ू जैसे बालों को भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है। इनफैक्ट अगर आपके अपने बालों में ब्लीच करवाया हो, कलर है, डाई है या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करवाया हो, तो भी आप इस पर्टिकुलर रेंज को यूज कर सकते हो। सो यस, ये हो चुकी शैम्पू से रिलेटेड बात। अभी बात करते हैं कंडीशनर से रिलेटेड। सो जितनी क्वांटिटी आपको शैम्पू की लगती ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी क्वांटिटी कंडीशनर की लगेगी, क्योंकि कंडीशनर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है। सो कंडीशनर मेरा यहाँ तक खत्म हो गया है, जैसे शैम्पू मेरा इतना खत्म हुआ था, कंडीशनर आप देखो यहाँ तक ये फिनिश हो चुका है। सो दिस इज द ओलाप्लेक्स नंबर 5 बॉन्ड मेंटेनेंस कंडीशनर। ये भी सेम आपके बालों को रिपेयर करेगा, स्ट्रेंथ देगा और आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड इसकी भी सेम ही प्राइस है, 1700 एंड 100 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी। अभी बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। सो ऑन द टॉप आपको मिलेंगे बंच ऑफ फैटी अल्कोहल, उसके बाद कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है, सिलिकन है, मिथिकॉइंस है, ग्रीसलीन है, परफ्यूम है। परफ्यूम भी इसके अंदर टॉप के अंदर है यार, बट इसकी परफ्यूम इतनी ज्यादा बॉदर नहीं करती, मतलब हेडेक नहीं होता है बाथरूम में आपको, काफी अच्छी सी माइल्ड फ्रेग्रेंस है। उसके बाद कुछ ऑयल्स डले हुए हैं और उसके बाद इसके अंदर कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट, प्लांट के एक्सट्रैक्ट एंड रूट एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं और बाकी प्रिजर्वेटिव वगैरह जो भी हमारे शैम्पू के अंदर थे, काफी इंग्रेडिएंट इसके अंदर भी सेम है। बट यस, इसके अंदर सिलिकन भी है, बट जो सिलिकन डला है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, मतलब आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। बट यस, इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको शैम्पू से डबल लेनी होती है, मतलब शैम्पू अगर आप इतना सा ले रहे हो ना, तो कंडीशनर आपको इतना ही लेना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि कंडीशनर यार हमको अपने पूरे बालों में लगाना होता है। सो डिपेंड करता है कि आपकी हेयर की लेंथ भी कितनी है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि शैम्पू को सिर्फ हमें रूट्स में अच्छे से मसाज करनी होती है और कंडीशनर को आपके पूरे बालों में लगाना होता है, तो कंडीशनर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, मतलब जब भी मैंने यूज किया ना, दोनों को साथ में ही यूज किया है और साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसका कंडीशनर भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने 3400 पर्टिकुलर इन शैम्पू एंड कंडीशनर पे इन्वेस्ट किए हैं। एक एक रुपया आपका मतलब वसूल है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। सो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झाड़ू टाइप के हैं, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, फ्रीजी है, ड्राई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या यूज करें, और अगर आप सलोन में जाके एवरी मंथ मतलब ट्रीटमेंट करवाते हो, 5000-6000 के कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि आप कुछ ओलाप्लेक्स की रेंज है 4-5 मतलब 3 जो इनका मास्क है वो भी बाय कर सकते हो, 7 में आई थिंक इनका हेयर ऑयल है या सेरम है वो बाय कर सकते हो। तो इस तरह से 3-4 प्रोडक्ट्स अगर आपने इनके ओलाप्लेक्स के बाय कर लिए ना, तो आई डोंट थिंक सो कि 4-5 महीने आपको कोई भी सलोन वगैरह जाने की जरूरत है, इतना अच्छा ये वर्क करते हैं। डेफिनेटली मैं इन प्रोडक्ट्स को रीपर्चेज करूंगी जब मेरे खत्म हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि इन पे कुछ बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बट यस, अगर आपके कोई आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में, कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप मंगवा सकते हो। अदरवाइज इंडिया में आपको सेल वगैरह पे तो इस सच बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट जो भी है इस पे जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो यस, मुझे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लगे गाइस। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो प्लीज एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई कर लो, उसके बाद जो इनकी लाइक वो जो मास्क है या सेरम है, ऑयल है, वो बाद में ट्राई कर लो, पहले शैम्पू एंड कंडीशनर को एक बार देखो। मैं भी सोच रही हूँ कि इनका ऑयल और सेरम वगैरह एक बार मंगवा के देखती हूँ उनका रिजल्ट कैसा आएगा। सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।